स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में, और मैं हूं भास्कर सर। रोज की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। सभी जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है, मेडिकल के स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी मेडिकल फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो कन्फ्यूज़न है या जो भी मालूम है कि इस चैनल पर आयुर्वेदिक दवाओं, एलोपैथिक दवाओं और मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, और जो भी दवाइयाँ हैं एलोपैथ की हो चाहे आयुर्वेद की हो, इन पे डिस्कशन किया जाता है। सारी जानकारियाँ मेडिकल वगैरह आती हैं, उन सब चीज़ों को भी बताया जाता है। तो उसी के क्रम में मैं आज सबके आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे जिसकी सहायता से आप किसी भी दवा का नाम देख करके आप ये पता कर सकते हो कि वो दवा किस कंपनी की है और इसमें जेनरिक क्या है, जेनरिक नेम क्या है। कंपनी के नाम से ही आपको उसका साल्ट भी पता चल जाएगा, उसका जेनिक नेम भी पता चल जाएगा, क्या क्या चीज़ उस दवा में मिली हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज जान लेते हैं कि टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पर बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी एलोपैथी की दवा है उनके ब्रांड नेम जेनरिक नेम और यूज, दवा का यूज, तीन चीजें आपको इस टॉपिक इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि जो भी दवाइयों की जो भी कंपनी है उनका एक ब्रांड नेम होता है, और वो अपने ब्रांड के नेम के हिसाब से ही दवा मार्केट में सेल करते हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो ब्रांड में, एलोपैथिक दवाओं में ब्रांड की कमी नहीं है, बहुत सारी ब्रांड की दवाएं मार्केट में आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज होती है जेनरिक नेम, जो कि केमिकल फार्मूला है जिस उस दवा का, जो दवा आप यूज कर रहे हो या कंपनी ने जो दवा मार्केट में डाली हुई है वो जिस केमिकल फार्मूले से बनी हुई है, जो केमिकल उसमें मिलाए गए हैं उसी को हम जेनरिक नेम कहते हैं। उसमें कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन है उसी को हम जेनरिक नेम कहते हैं, मतलब कि उस दवा का साल्ट क्या है वो बताया जाता है जेनरिक के हेल्प से। और यूज, कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपने दवा के नाम के ऊपर ही सारी लेबलिंग कर देते हैं और कोडिंग में सब चीजें भर दी जाती हैं, लेकिन सिंपली आप नहीं जान पाओगे कि वो दवा क्या है, किस तरह से वो यूज की जाएगी, ये सारी चीजें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो इस दवा पे लिखा हुआ है, इस दवा का नाम है ऑप्ट्रम 200, आप देख सकते हो ऑप्ट्रम 200 इस पे लिखा हुआ है। दवा कौन सी है? ऑप्ट्रम। ये अगर पूरा डिटेल अगर लिखें तो यहां पे दवा का नाम है
तो जैसे मैंने बताया ऑक्ट्रम 200, तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम अगर देखें तो यहां पे ओ एफ अगर बाहर निकालेंगे, ओ एफ बाहर निकल गया और यहां पे जुड़ा हुआ है ट्रम। क्या जुड़ा हुआ है? ट्रम, ट्रम। तो आप देखें स्पेक को हटा करके यहां पे कंपनी ने जोड़ दिया है ट्रम और ओ एफ जोड़ दिया है ओ फ्लक्सासीन के लिए, ओ फ्लक्सासीन। तो आपको डायरेक्टली यहां से देख लीजिए पता चल गया ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ओफ्लक्सासीन एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, तो यहां पे ये नाम से बेचा जा रहा है ऑक्ट्रम 200, जिसको स्पेक्ट्रम कंपनी ने बनाया। मतलब कि स्पेक्ट्रम कंपनी की जो भी ड्रग है उस ड्रग के साथ ट्रम नाम जुड़ा रहेगा उसके जेनरिक नेम के साथ। मतलब कि जो दवा का जो मेन जो ड्रग है उसके नाम के साथ कंपनी का नाम जुड़ा रहेगा हर दवा के साथ। तो ऑक्ट्रम 200 नाम से ये दवा मार्केट में आ रही है स्पेक्ट्रम कंपनी की, जिसमें यहाँ पे आपको बताया मैंने कि जो जेनरिक नेम है जो साल्ट है दवा का वो है ओफ्लक्सासीन और ट्रम जोड़ दिया गया, तो ऑक्ट्रम नाम ऑक्ट्रम 200 से ये बिक रहा है, जबकि ये एंटीबैक्टीरियल दवा है। एलसी मोंटपेन का भी एग्जांपल दे दूं मैं, एक और दवा है मोंटपेन एलसी, ये भी दवा है अगर आप देखें तो मार्केट में इस नाम से ये बेचा जाता है मोंटपेन एलसी। मोंटी 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 से मोंटी 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 से हो जाएगा मोंट्यूलो कास्ट, मोंटी से पेन तो डॉक्टर मोरपेन। उसी तरह से अगर देखें तो मोंटी मोंट्यूलो कास्ट पेन डॉक्टर मोर एलसी लीवो सिट्रिजिन। तो यहां पे देखिए अगर आप मार्केट से मोंटी पेन एलसी खरीदते हो मोंटी पेन एलसी, तो यहां पे इस नाम से ये दवा मार्केट में बिक रही है मोंटी पेन एलसी नाम से बिक रही है। तो जहां पे देखें इस कोड में सारी जानकारी छुपी हुई है, मोंटी मतलब मोंटिलो कास्ट इसमें मिला हुआ है, इस दवा में मोंटिलो कास्ट है, पेन कंपनी का नाम है डॉक्टर मोरपेन, डॉक्टर मोरपेन, और एलसी मतलब लिवोसिट्रिजिन। तो आपको ये पता है ये जो दवा है ये भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल दवा, ये भी हल्के फुल्के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, कोल्ड वगैरह में यूज किया जाता है, इसको दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, इसको देते हैं। तो यहां पे मोंटी पेन एलसी जो है वो दवा मोंटिलो कास्ट लिवोसिट्रिजिन है, जिसमें जेनरिक नाम इसका क्या है मोंटिलो कास्ट लिवोसिट्रिजिन, और जो पेन जो है वो डॉक्टर मोरपेन इसका कंपनी का नाम है, ड्रग का जो ब्रांड नेम है वो जो कंपनी है वो डॉक्टर मोरपेन है जो इस दवा को बनाती है। तो पेन डॉक्टर मोरपेन का जो पेन है बस यहां पे जुड़ा हुआ है, इस दवा में पेन जोड़ दिया गया है जिससे कंपनी का नाम भी इस दवा में छुपा हुआ है। तो कोई भी दवा अगर डॉक्टर मोरपेन बना रही है, जो कंपनी है डॉक्टर मोरपेन की दवा बनाती है, तो अपने दवा के नाम के साथ वो अपने कंपनी का नाम भी जोड़ करके मार्केट में देती है। तो यहां पे दो चीजें बता दिया मैंने, ऑप्ट्रम बताया 200 का एग्जांपल, और एक हो गया मोंटी पेन एलसी जिसमें मोंटी मोंटिलोकास्ट को बताया, और पेन क्या है डॉक्टर मोरपेन कंपनी का नाम है, और एलसी लिवोसिट्रिजिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल दवा यह है। उसी तरह से एलरसेट एम एक और एग्जांपल है, एलरसेट एम ये भी दवा मार्केट में आपको मिलेगी, इसी नाम से मिलेगी, एलरसेट एम नाम से ये दवा भी मार्केट में आपको मिलेगी एलरसेट। तो यहां पे इस दवा में पूरा टोटली जो इन्फॉर्मेशन है डाल दिया गया, जैसे मैंने बताया कई कंपनियां जो होती हैं दवा का जो नाम है उसमें यूज भी डाल देती हैं, उसका जेनरिक भी होता है, ब्रांड नेम भी उसमें होता है, कंपनी का नाम भी होता है। तो अगर यहां पे देखें एलर, एलर मतलब एलर्जी, मतलब इस दवा को आप एलर्जी में यूज कर सकते हो, एलरसेट एम मतलब एलर्जी में आप इसको यूज कर। अगर सेट को निकालें, सेट सेट मतलब सिट्रिजिन, सेट का मतलब क्या हो गया सिट्रिजिन, तो सिट्रिजिन यहां पे इस दवा में मिली हुई है सिट्रिजिन, और अगर एम से देखें तो मोंटिलो कास्ट, मोंटिलो कास्ट। तो तीन चीजें हैं यहां पे, एलर मतलब एलर्जी के लिए दवा है, सेट सिट्रिजिन इसमें मिली हुई है, और एम मोंटिलो कास्ट। अगर आप जेनरिक नेम अगर
देखेंगे दवा का, अगर मार्केट से जेनरिक दवा अगर आप ले रहे हो तो आप मोल्टीलोकास्ट सिट्रिजिन मिला रहेगा तो आप ले सकते हो, ठीक ना। और डायरेक्टली अगर आप एलर्जी की दवा अगर डॉक्टर लिखता है तो उसमें अगर कंपनी का नाम लिख करके देगा, ब्रांड नेम से अगर दवा देगा आपको तो एलर्सेट एम वो लिख देगा, जो मार्केट में जाएंगे तो आपको एलर्सेट एम नाम से मिलेगी। और एलर्सेट एम से आपको मैंने टोटली इन्फॉर्मेशन दे दिया, एलर से मतलब ये एलर्जी में यूज कर सकते हैं, और सेट का मतलब ये सिट्रिजिन इसमें मिला हुआ है, और एम का मतलब मोन्टिलोकास्ट भी इसमें। ये आपको बता रही है तीनों चीजें कि ये दवा की, इस दवा की इन्फॉर्मेशन इन तीनों चीजों के हेल्प से आपको पता चल गई कि ये दवा किस चीज में काम आती है और कौन से जेनरिक साल्ट इसमें मिले हुए हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको एलोपैथिक दवाओं का, डायरेक्टली आप दवा का नाम देख करके ही जान सकते हो कि दवा की कंपनी का नाम इस दवा में जुड़ा हुआ है, ये दवा किस काम में आती है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है या जेनरिक नेम क्या है। तो आप चाहें तो उस दवा का जो जेनरिक दवा है आप मार्केट से खरीद सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जेनरिक जो दवाएं हैं वो मार्केट में बहुत सस्ती मिलती हैं, जैसे जनऔषधि पे आप जो दवा लोगे वो बहुत ज्यादा सस्ती है। जैसे आप मार्केट में दवा ले रहे हो, कोई डॉक्टर ने दवा लिख दी, आप इलाज करा रहे हो किसी पेशेंट का, आपके घर का ही पेशेंट आप इलाज करा रहे हो, आप मार्केट से जब दवा लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेगा। लेकिन उसी का अगर आप जेनरिक जान गए तो जैसे मैंने बता दिया आपको जेनरिक भी पता चल जाएगा। आप जेनरिक अगर जान गए तो जाकर के जनऔषधि से जेनरिक दवा आप डायरेक्टली वहां से ले सकते हैं। वो वहां पे आप अगर जाकर के दवा लोगे तो आपको बहुत कम रेट में दवा मिल जाएगी और आपके पैसे भी बचेंगे। तो आप जेनरिक दवा भी यूज कर सकते हो, दवा सेम वही चीज है, बस कंपनी अपने ब्रांड नेम के हेल्प से क्या करती है, अपने ब्रांड नेम का यूज करके दवा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जा रही है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां उनकी अलग अलग डिमांड है। जैसे ब्रांड नेम में सिप्ला है, सिप्ला भी है, उसकी भी दवा बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। मैनकाइंड है, उसकी भी दवा कॉस्टली आती है। जबकि आप जेनरिक दवा अगर यूज करें तो सारी दवाइयां सेम है, जो मेन जो कॉम्पोजिशन है दवा का वो जेनरिक ही है, वो सारी चीजें उसमें भी मिली हुई है और ब्रांड नेम वाले भी दवा में भी वो चीजें मिली हुई है। लेकिन बस कंपनी के नाम के हेल्प से और जो अलग जो पैकिंग वगैरह है उसके हेल्प से दवा ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जेनरिक दवा खाएं तो आपके पैसे भी बचेंगे और सेम दवा का भी काम करेगा, दवा भी असरदार ही होगी। तो जो भी चीजें बताई गई हैं एक्चुअली आपको दवा के लेबल या दवा का जो नाम है उसी को देख करके आपको डायरेक्टली पता चल, जानकारी मैंने दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तक पहुंचाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।